कवि और उसकी कृति में मित्रों आपका स्वागत है मित्रों आज हम बात करेंगे एक ऐसी कविता के बारे में हर एक इंसान के मन में बहुत सारे प्रश्न होते हैं कभी कभी उन प्रश्नों का उत्तर मिल भी जाता है और कभी कभी नहीं भी मिलता है कभी कभी हम उन प्रश्नों में ही उलझे रहते हैं कि ये हमें उत्तर कब मिलेगा कब हमें अपने सही रास्ते पर लेकर जाएगा व्यास जी ने इस कविता में कुछ अपने प्रश्नों के आंसर दिए हैं कुछ ऐसी व्याख्याएं की हैं कुछ जो पंक्तियां हम पढ़ेंगे जिसकी उसको गीत के माध्यम से लेकर जाएंगे शायद आपके प्रश्नों के आंसर भी आपको मिल जाए उम्मीद करती हूँ कि आप इसे ध्यान से और आनंद पूर्वक सुनेंगे भी और समझेंगे भी और अमल भी करेंगे आइए बात करते हैं राजेंद्र गोपाल व्यास जी से राजस्थान भिलवाड़ा से आए हुए हैं व्यास जी आपका नमस्कार नमस्कार कविता जी आपने हर कविता में कोई ना कोई व्याख्याएं की हैं प्रश्नों के उत्तर भी दिए हैं आपने पिछली कविताओं में सैनिकों के बारे में बताया स्त्री के सम्मान के बारे में बताया आज आपकी कविता है मैं जो कुछ लिख पाता तो आपने भी अपने मन में इसका मतलब कुछ ना कुछ प्रसन्न लेके रखे हुए थे जिसका शायद आपको उत्तर मिल चुका है हमारे मन में भी बहुत सारे प्रश्न होते हैं उनका आंसर नहीं मिल पाता है कभी कभी पर कभी कभी होता है कि आसानी से मिल जाता है ऐसा लगता है कि मंजिल आसान से हमें प्राप्त हो चुकी है आपकी कविता भी ऐसी है मैं जो कुछ लिख पाता इसके बारे में आपका थोड़ा सा हाँ बताता हूँ बहुत अच्छी बात है यू तो मेरे हर गीत के साथ आपके बड़े प्यारे प्रश्न आ रहे हैं जी और मैं कोई उनके उत्तर बहुत बुद्धि के धरातल पर सोच के भी नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि आप खुद भी अनायास ऐसे प्रश्न कर जाती है जा जहाँ एक सेकंड के लिए मुझे थोड़ा सा हिला देती है जी। तो जो जीवन में सहजता है वो ही लाइफ है यहाँ मैं आपको बताऊँ कि मैं कवि हूँ और मैंने कुछ कविताओं का सृजन इसमें किया है इसका शीर्षक है मैं जो कुछ लिखता हूँ प्यारो इसके पीछे एक छोटी सी घटना है जी। मैं एक बहुत अच्छे से कवि सम्मेलन में मेरी परफॉर्मेंस ठीक रही सबकी बहुत अच्छी रही मेरी भी ठीक रही तो चूंकि मैं एक फिलॉसफी आदर्श एक गीतकार हूँ मनोरंजन वाले गीतों पर उतना मेरा उम्र भी नहीं है और मेरा मूड भी नहीं है तो कुछ लोग तीन चार लोग मिलके आके बोले 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 जी हमने पहले और दूसरे दौर में आपके कुछ गीत सुने आप इतने सुंदर गीत कैसे लिख लेते हो ये प्रश्न था जिससे ये गीत निकला उनका प्रश्न था शायद मेरे कुछ गीत उन्होंने सुने पड़े तो उन्होंने कहा आप इतना बढ़िया कैसे लिख लेते हो उन श्रोताओं का सामाजिकों का प्रश्न होगा और मैं घर आया कविता जी ये गीत लिख ले मेरे मन से तो मैं आपको बता दू मूलत कविता है क्या कुछ लोग मुझे ये भी पूछते हैं जी. कि आपकी नजरों में व्यास जी कविता क्या है तो मैं भरबस एक बात कहता हूं पूरे देश में भी कि कविता करना मरकर जीने की कला है क्या बात है या यूं कहिए जख्म खा के नमक की खान से गुजरना है <laughs> कविता जी जब चोटें लगती ना जी तो उस दर्द के रसायन से उस अल्केमी से या उस दर्द के तत्व से जिस अल्केमी से हम उसकी औषधि बना लेते हैं <laughs> उसका नाम कविता है तो आप इसकी पंक्तियाँ पढ़िएगा मैं गाऊंगा और बीच में कुछ भावों से बताऊंगा कि क्या बारीक बातें इसमें आई है शुरू करिए जी, जी आपकी कविता में पढ़ती इसके मुझे अच्छा जी। लगेगा मैं जो कुछ लिखता हूँ प्यारो हाँ, एक तो मैंने यहाँ प्यारो शब्देगा जो गैर है मुझे सुनने वाले मुझे नहीं जानते लेकिन चेतना के धरातल पर सृष्टि पे मैं उनसे कभी मिला हूंगा तभी तो आज फिर इस संगम युग पे आया हूं। तो ये मेरे लिए वो लोग बड़े प्रिय प्रिय हम उसी को कहते हैं जिसको बहुत अच्छी गहराई से जानते हैं तो मेरा श्रोता अगर आया है तो कहीं न कहीं किसी जन्म में उसके साथ मेरा सत्संग घटा होगा अन्यथा इस महफिल में या इस में जी हमारा मिलन नहीं होता नहीं। तो प्यारो शब्द में इसलिए लाया जी मैं, मैं जो, जो कुछ लिखता, लिखता, लिखता हूँ मैं आप सप्लीमेंट करना जी। बोल दीजिएगा दूसरी मैं भी क्या लिख पाता मेरी है कितनी औकात यहाँ पे आपने प्रश्न आप से भी प्रश्न कर रहा हूँ अब गीत सुनेगा मैं जो कुछ लिखता हूँ प्यारो है उसकी सौगात मैं भी क्या लिख पाता मेरी है कितनी औकात hmm. मेरी है कितनी औकात अब यहाँ दो चीज़ें हैं मैंने कहा मुझे नहीं पता कि मैं इतने सुंदर गीत लिखता हूँ नंबर वन दूसरा मुझे नहीं पता है कि ये मैं लिखता हूँ hmm. मुझसे कोई लिखवा लेता है भीतर वाला मैं मैं कोई प्रैक्टिस नहीं करता इसके लिए मैंने पहले के एपिसोड में भी कहा कि ये कोई एक्ट नहीं है अरे जब हम उस रसाध्यक्ष से मिल लेते हैं कविता जी और भीतर से जब खाली हो जाते हैं तो मुझे लगता है स्पेस में शायद कुछ काव्य इधर उधर बिखरता होगा या अंतरिक्ष में नक्षत्रों के जरिए कहीं चमकता होगा जी, जी, वो जी, मेरे आसार बन के मेरे कागज पर उभर आते हैं और मैं लिख लेता हूँ इसलिए मैंने कहा मैं जो कुछ लिखता हूँ प्यारो है उसकी सौगात उसकी अर्थ समझ गए उस निराकार परमात्मा की कृपा है मैं भी क्या लिख पाता मेरी है कितनी औकात या मैंने अपने अहम को गलाया है कि मैं कुछ भी नहीं हूं सृष्टि पर कुछ भी नहीं हूं लेकिन अगर मेरे जैसे एक शून्य होता है कविता जी वो अगर एक के पीछे लग जाए hmm. तो उसकी शून्य है वो एक के पीछे लग जाए तो कितना गुना हो जाता है दस गुना हो जाता है।, है लेकिन वही शून्य एक के आगे लग जाए तो जीरो ही रहता hmm. है ये अहंकार एक ऐसी चीज मैंने लिखा है तो समझो गीत भी गया और कभी भी गया श्रोता एक मिनट में नकार देंगे लेकिन अगर फल लगी डालियाँ झुक जाती है कोई अच्छा गीतकार भाव में ऑडियंस को सम्मान देते हुए गीत पढ़ता है कविता जी धन्य हो जाते हम दूसरा बंद लीजिएगा जी, झटका हाँ। उसने दिया मुझे हाँ झटका उसने दिया मुझे फट से मैंने लिख डाला हाँ। तार तार होने से पहले टुकड़ा दुखड़ा दुखड़ा मैंने, मैंने ही सील सिल डाला बिल्कुल बढ़िया बात है आगे उमस उमस गर्मी उमस उमस तब तब, तब, तब बढ़ जाती, जाती है जब होती कम, कम बरसात अब यहाँ एक मैंने प्रकृति का सिद्धांत यहाँ लागू किया आपने देखा होगा जब बहुत गर्मी हो और कम बारिश हो हुँ। सुनना। हुँ। जब बहुत गर्मी हो प्रकृति में और बारिश कम हो तो क्या कहेंगे गर्मी और बढ़ जाती जी एक सिद्धांत है ज्योग्राफी का एक नियम है तो कम गर्मी हो तेज गर्मी हो और कम बारिश हो तो गर्मी और बढ़ जाती तो अपन क्या सोचते हैं अरे इससे अच्छा भी नहीं होती यार कम से कम गर्मी बढ़ती तो नहीं वही वाली बात भूख के संदर्भ में होगा जब आपको बहुत ज्यादा भूख लग रही है और कोई थोड़ा सा नाश्ता दे दे आपको तो आपकी तो भूत भूख और बढ़ जाएगी आप कहेंगे यार इससे अच्छा नहीं देता तो मैंने पहले बंद में लिखा कि झटका उसने दिया मुझे फट से मैंने लिख डाला यह झटके का अर्थ है आघात कोई ऐसी घटना जो मैं चाह रहा था नहीं हुई मेरी ट्रेन छूट गई मेरी कंफर्म टिकट थी मैं बड़े आराम से जाता और मैं दो मिनट लेट हो गया छोटा झटका मेरा एंगेजमेंट छूट गया मेरा अपॉइंटमेंट बहुत अच्छा हुआ मुझे प्लेस अच्छा नहीं मिला मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ मेरा सलेक्शन नहीं हुआ मेरा संबंध बहुत अच्छा हुआ लेकिन मुझे बाद में पता चला कि वो तो परिवार पूरा कर्जे पर निर्भर और मुझे उनकी जीवन भर सेवा करनी कोई भी आघात लग सकता है किसी जीव को जीव तो यहाँ मैंने कहा झटका उसने दिया मुझे फट से मैंने लिख डाला ये नहीं होगा कि चोट आज लगी और मैं परसों गीत लिखूंगा गीत कविता जी उसी समय बन जाता है यहाँ तक कहूं मेरे गीतों की रचना कभी कभी मुझे तो पेन मिल जाता तो कागज नहीं होता था तो मैंने मेरे नोटों पे गीत लिखा और वो नोट अगर चलन में नहीं आया तो उससे मैंने हजारों नोट कमाए उस टाइम हाँ। वो दिल के कुछ मन के कुछ भाव भूल जावे भूल जावे वो वो फिर वो तरंग आवे नहीं आवे हु, तो मैंने तो बहुत बार नोटों पे गीत लिखा और अगर नोट खराब हो गए तो उन नोट उस लिखे हुए गीतों से मैंने बहुत सारे नोट भी कमाए जी क्या बात है हां तो झटका उसने दिया मुझे फट से मैंने लिख डाला तार तार होने से पहले दुखड़ा मैंने सी डाला मैं अगले दर्द से बच जाता हूँ जब पहले वाले दर्द से गीत लिख लेता हूँ ये एक कृपा होती गीतों की उमस तब तब बढ़ जाती जब होती कम बरसात मैं भी क्या लिख पाता मेरी है कितनी ओकात अच्छा। मेरी है कितनी ओकात दूसरा बंद और अच्छा इसमें एक पूछिए बिल्कुल ये आपने परमात्मा की तरफ इशारा किया नहीं है? परमात्मा की तरफ निश्चित रूप से किया लेकिन जो ये दर्द आता है ना ये हमारे प्रारब्ध से आता है ये हमारे ही कर्म हमारे पास लौट के आते हैं जब कभी सुख का आ जाता है तो उस समय हम शायद ईश्वर को भूल जाते हैं गीतों की रचना खुशी के समय मैं सोचता हूँ शायद कम ही होती होगी कोई रोमांटिक गीत करने वाले श्रृंगार के गीत वालों की बात मैं नहीं कह सकता मैं कोई ऐसी वो भी बहुत महान कवि होते हैं वो भी अच्छे मूड में लिखते होंगे मैं नहीं पर मेरा आशय ये रहा कि जो वियोग होता है वो कविता को जन्म देता है दूसरा लीजिए जी जरूर जब देखा मैंने हर मानव कड़वाहट पीने का आदि क्योंकि इस जगत में कड़वाहट ज्यादा है कविता जी मिठास कम है आप देखिएगा यहाँ चंदन कम है कंकर पत्थर छोटे पेड़ पौधे ज़्यादा यहाँ नेगेटिविटी ज्यादा है पॉजिटिविटी कम है आप देखिएगा आपका कोई गेस्ट आया उसको आप छोड़ने गए वो सहकुशल पहुंच पहुँच जाए या देरी से पहुंचे फोन नहीं आए तो आपको बुरे विचार पहले आते जी जरूर कोई भी आपका प्रिय बच्चा घर पे टाइम पे नहीं आए तो आपको लगेगा एक्सीडेंट तो नहीं हुआ आपको यह नहीं लगेगा किसी बाल दिवस पर उसका अभिनंदन के लिए डायरेक्ट सलेक्शन हो गया हो और उसका किसी हॉल में जो है जी, अभिनंदन जी, ऐसे जी, विचार कम आते हैं कम आते है। तो मैंने इसमें जो बात कही जब देखा मैंने हर मानव कड़वा हट पीने का आदि वो जन्म से यू समझिएगा नेगेटिविटी को सहन करने की ताकत रखता है उसका अभ्यास ये है लेकिन वो महसूस नहीं कराने देता है कि मैंने कोई चोट खाई है या मैंने कड़वाहट पी वो अभिनय दूसरी किस्म का करेगा यह एक बारीक बात मनोवैज्ञानिक कही मैंने जब देखा मेरा ऑब्जर्वेशन है कभी बड़ा निरीक्षण करके चीजें लिखता है कभी बहुत बार उस दौर से नहीं गुजरा है वो नहीं गुजरा है लेकिन उसने देखा कि हजारों लोग उस दौर से गुजरे उस ट्रेजी से गुजरे तो उनके मन की अनुभूतियों को भी हम अपने रोते हैं। जब देखा मैंने हर मानव हट पीने का दी फिर क्यों रचता ढोंग आज जतला अपने को उन्मादी दी आपको हंसाने के लिए नहीं सच्ची बात बताऊं आपने देखा होगा स्टूडेंट्स जब अपना पेपर दे करके बाहर निकलते हैं जी।

बिन बिन बोले ही में उठते प्रतीका। बिन बोले ही ही दर्पण दर्पण में में क्यों क्यों एक उठते हैं जज्बा चेहरा पढ़ लेते हैं लोग जी जी जी। क्योंकि आपकी जीव अलग भाषा बोल रही है चेहरा और चेहरा और आंखें बता चेहरे पे पता है कि दो प्रश्न छूट गए तीन गलत हो गए तो वो कहेगा बहुत अच्छा लेकिन जैसे जैसे एग्जाम की तारीख रिजल्ट निकलने की होती एक दो दिन पहले उसकी तबियत बिगड़ने लगती <laughs> <laughs> तो मेरा अर्थ यह है कि ये उसको ईमानदारी से कह देना चाहिए कि मेरा पेपर बिगड़ गया अपनी कमियां भी जाहिर करनी चाहिए मेरे में ये कमी है अरे मा, किसी को पूछो और क्या बहुत मस्त है मस्त नहीं आप दो मिनट उससे बात करिए वो रो पड़ेगा इतने बॉयलर में जी रहा है आदमी इतने दुखों में जी रहा है जी, जी। आपकी पंक्तियों के साथ साथ आपके शब्द भी ऐसे हैं मेरे नहीं मेरे शब्द नहीं ये इसलिए नहीं कि सहजता मेरी कविता में मेरे जीवन जी, में।, जी, में मैं सोचता हूँ आपका भी व्यवहार मैंने देखा है पूछने का हम किसी को प्रभावित करने मैं किसी को प्रभावित करने के लिए कविता जी कविता नहीं कहता मैं तो इतना भावित हो जाता हूँ कि आप लोग अगर प्रभावित हो जाए तो यह आपकी योग्यता है ये मेरी योग्यता

वे उस पलाश के पेड़ों पर वो फूल मुझे बहुत अच्छे लगते थे कविता जी मैं रुक करके उनके सौंदर्य को देखता रहता भले उसमें खुशबू मत हो पर सौंदर्य उनमें भरपूर होता था हरे हरे पत्ते और फिर हम लोग क्या करते थे वहाँ के पत्ते लाके ऐसे दोने बनाते थे हम दिन को और उनमें हम दाल बाटी खाते थे पत्तल दोने बना करके जी, तो जी। एक आर्ट एजुकेशन भी हो जाता था घर वाले भी खुश हो जाते थे मुझे थाली कटोरी में खाने के बजाय उस दिन एक अलग आनंद आता तो पलाश का मैंने क्यों किया पंक्ति वापस पढ़ना जरा जी वीराने में वीराने में हम, हम, पला... में हम पला... ये जंगलों में लगते हैं पलाश के पेड़ आपने देखे होंगे हमारे राजस्थान में मेवाड़ में भीलवाड़ा जिले में बहुत होते हैं ये वीरान होता बड़े लंबे चौड़े एक एक दो दो मील के खेत होते हैं आसपास पास वहाँ ये झाड़ लगता है वीराने में हम पलास से रंग उड़ेल रहे हैं ये महानगरों की जीवन शैली का प्रतीक है हा वीरान है कौन से फ्लैट में अपने निकट वाले पे कौन मर गया कौन जिंदा हम जानते ही नहीं है महानगरों में मैं भी जाता हूँ रहता नहीं हूँ पर कवि सम्मेलनों में जब जाता हूँ वो फ्लैट संस्कृति को देखता हूँ तो मुझे दुख होता है कोई अपना नहीं कोई किसी से राह रास्ता पूछो तो वहाँ रुक के जवाब देने वाला कोई नहीं गाँव में आज भी आप किसी का पता पूछो ना तो आपको उस पते पे के घर तक छोड़ने जाता है तब मैंने ये गीत लिखा ये बंद लिखा वीराने में हम पलास से रंग उड़ेल रहे हैं रंग उड़ेल रहे यानी प्रदर्शन कर रहे और गंध नहीं हम में सो विपदाएं झेल रहे, रहे शहरों में आदमी को या गांवों में आदमी को आप शहर गांव का तुलना मत करिए एक नेचर की बात है हमारे दुखों का कारण ये रह गया है कविता जी हमारे में से प्रेम निकल गया जैसे दूध में से क्रीम निकल गई ना डेयरी के दूध में जैसे हम लोग फेट निकाल लेते हैं ऐसे प्रेम हमारे जीव अब प्रदर्शन ही प्रदर्शन रह गया है इसलिए मैंने लिखा वीराने में हम पलाश से रंग उड़ेल रहे हैं और गंध नहीं हम में हैं सो विपदाएं झेल रहे हैं आगे पंक्ति पढ़ो आप अर्थ करूंगा जी बहुदा।, बहुदा लोग जीत करके भी हाँ खा जाते हैं मात समझे इसका स्वाद आया कुछ आपको एसेंस बहुदा लोग जीत करके भी खा जाते हैं मात बताइए इतिहास की ऐसी घटना है जहां अशोक कलिंग के युद्ध में क्या कहता है आज मैं जीत करके भी हार, हार गया, गया। लोग समझते हैं हम किसी को धोखा दे और हमने बहुत बेनिफिट ले लिया अरे तुम जीते नहीं हो मनुष्यता के पेपर में तुम हार गए हो इसलिए मैंने कहा बहुता लोग जीत करके भी खा जाते हैं मात मैं भी क्या लिख पाता मेरी है कितनी औकात मैं जो कुछ लिखता हूँ प्यारो है उसकी सौगात जब मैं उसकी बोलता हूँ ना तो एक निराकार प्रभु मेरी आँखों में और मेरे हार्ट में चमक लेता है मुझे तो लगता है कभी कभी वो बोलता है और मैं सुनता हूँ और कभी लगता है कि नहीं वो सुन रहा है और मैं बोल रहा हूँ ये छा धूप छाँ का खेल कविता जी जब हम एकांत में होते हैं कभी मस्त होते हैं तब तो मस्ती होते लेकिन मेरा तो ये अनुभव है कि कभी ऐसी विपरीत परिस्थिति भी आ गई हो ना तो वहाँ थोड़ी देर आप योग करिएगा अगर आपका कहीं कोई ऐसा वातावरण बन गया, आ गया तो आप बैलेंस को बना के योग में बैठ जाइए मैं कहता तीन मिनट बाद आपकी दशा और दिशा दोनों बदल जाएगी जी क्या बात है ले ले. अच्छा एक बात पूछी. है इसमें कि जब इंसान के मन में कड़वाहट नहीं है या ये बोला जाए तो अगर मेरे मन में कड़वाहट है एग्जाम्पल मेरे मन में कोई चीज मेरी है आपने बोला कि मैं मैंने वो, वो काम किया है और उसमें मैं मैं शब्द ना लाऊं दूसरे को ये बोलूं कि मैंने मैंने नहीं किया या मैंने किया है तो मैं उसका अर्थ लेकिन उम्र के तकाजे पर जो जो आ जाएगा, तब एक निमित्त नाम का जो कॉन्सेप्ट भारतीय संस्कृति में गीता में है कि मैं उस कार्य का करता नहीं हूँ मैं उस कार्य का भोगता नहीं हूँ मैं उसका साक्षी हूँ मैं उसका कुटस्थ हूँ तब वो ये कहेगा कि मैं निमित्त बना या भगवान ने हमें ये एक आपने यहाँ पे बोला रचता के ये ढोंग हाँ, हां मतलब कोई इंसान सच्चाई से भी बोल रहा है कि नहीं आ, हाँ जी मैंने ये काम किया है हां वो वो, वो 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 संख्या कम मिलेगी आपको मैंने अमूमन देखा है कि आदमी दोहरी जिंदगी जीता है बल्कि मैं तो याद तक हूं महापुरुषों ने कहा कि किसी एक आदमी से मिलने के लिए उसका निर्णय मत लेना 10 मिनट 2 मिनट बाद उसका दूसरा चेहरा आपको दिखाई देगा एक एक आदमी के 10-10 मास्क लगे रहते हैं कब हम एक मिनट में अपना एटीट्यूड बदल देते हैं। तो क्यों ये जब व्यवहार में जाओगे तो आपको इसके विभेदीकरण का पता चलेगा कि आदमी को पहचानने में हम कहीं गलती तो नहीं कर जाते आपने एक बात यहाँ पे दर्पण की ली है हाँ कि क्यों उठते हैं दर्पण में मैंने यहाँ दर्पण चेहरे को कहा है बिन बोले आप झूठ बोल रहे हो ना आनंद है आनंद नहीं आपकी आंखें बोल रही आप जीप से आनंद बोल रहे हो इसलिए आपके चेहरे पर बिन बोले हुए भी ये दुख के विषाद के और तनाव के प्रभाव अभी अभी मन में ऐसी बात होती है जब हम किसी से शेयर नहीं कर पाते हैं बोल नहीं पाते है तो सामने वाला व्यक्ति नहीं आप अपने मन की बात नहीं कोई बात ऐसी होती है जब हम बोल ही नहीं देखो मैं आपको बताता हूँ जो आपकी फीलिंग नहीं समझ पाता होगा ना जिसको चेहरा पढ़ना नहीं आता होगा वो तो पूछता होगा बाकी तो लोग एक सेकंड में पकड़ लेते हैं कविता जी दुनिया में बड़े एक्सपर्ट बैठे हैं क्योंकि वो भी उसी दौर से गुजरे हैं <laughs> आप ये मत सोचिएगा एक थानेदार चोर को इसलिए भी जल्दी पकड़ लेता है कि आप समझते है? वो चोर के मनोविज्ञान को जानता है इसका मतलब थानेदार साहब ने चोरी नहीं की लेकिन कहीं शिक्षा के क्षेत्र में पढ़ाते समय उन्हें अपने गुरुजनों से वो कला सीख ली है कि चोर को कैसे पकड़ा जाता है आती है आती है या जी जी आपने ये दूसरी पंक्ति में एक बात ये बोली बहुधा लोग जीत, जीत कर, कर भी, भी खा जाते हैं ये मैंने अनुभव किया अच्छा हाँ क्योंकि लोगों को एक ही आगे आम्पिटिशन हो रहा क्लासेज में फादर मदर मेरा बच्चा मेरिट में मेरिट में भी फर्स्ट आना चाहिए अरे कभी कभी हो सकता है आपका बच्चा जी किसी मैं किसी शॉर्टकट से फर्स्ट आया हो जी 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 और आपने आप हाँ, हाँ, हाँ आपका बच्चा डांस कंपटीशन में हो सकता है रियली में थर्ड आया हो थर्ड आया। और आपने व्हाट्सअप पे फर्स्ट के नाम से उसका मेरी वो बना के या फर्स्ट की ट्रॉफी को लेके वो इधर गया तब तक आपने फोटो ले लिया और आपने पोस्ट डाल दी ये बहुधा लोग जीत करके भी खा जाते हैं मात तो ये एक हिसाब से बच्चों के साथ ये धोखा भी बोला बच्चे को तो नहीं पता है ये पेरेंट्स खुद अपने को धोखा दे रहे हैं बच्चे को बच्चा तो निर्दोष है वो हो सकता है वो ये कन्फेशन कर दे कि मैं तो दर्ड आया <laughs> जी हाँ कभी कभी आपने देखा होगा बच्चे को कोई बेल बजा के बच्चे के फादर के दोस्त पूछने आए हैं कि तेरे पापा है क्या तो वो उन्होंने पहले निर्देश दे रखा होता पिता ने कि, कि कोई आए तो कहना मैं या नहीं हूँ तो वो यही कहेंगे दीदी वो यही कहेंगे कि मेरे पापा ने कहा है कि वो अभी यहाँ नहीं है <laughs> वो अंदर है यहां पे। आते हैं, अरे बड़े मजे आते हैं कभी ऐसे छोटे मोटे काम चलते हैं। आगे है जी। गर हाँ, अगर है चूंकि शिल्प में अगर लिखने में एक ठोकर लगती है इसलिए लिखने में, में मैंने गर गर हाँ, शब्द का प्रयोग किया अगर है अगर आगे पढ़िएगा अगर कुछ पाना चाहते हो तो कुछ पड़ता है ये जीवन का सत्य अगर आप कुछ उपलब्धि पाना चाहते हो जरूरी नहीं ये बहुत जरूरी है अगर बच्चे को किसी एग्जाम में सफल होना है ना तो उसको रातों की नींदे खोनी पड़ेगी तब दिन के उजाले की बहुत अच्छी सर्विस उसको मिलेगी गर्व कुछ पाना चाहते हो तो कुछ खोना पड़ता है बिना यहाँ बिना कुछ खोए मिलेगा मीरा ने पूरा दाम्पत्य खोया जी तब प्रभु गिरधर मिला इतिहास उठा के देख लीजिएगा अगर कुछ पाना चाहते हो तो अगर प्रताप को स्वाभिमान पाना था तो पता है घास की रोटियां खानी पड़ी क्या कमी थी उस शख्सियत के पास सोने की कटोरी में चांदी में खाने वाला तो उन्होंने रखा कि नहीं मुझे स्वाभिमान चाहिए तो स्वाभिमान को बचा इसलिए उन्होंने कहा मैंने कहा आप सबने कहा घर कुछ पाना चाहते हो तो कुछ खोना पड़ता है और हर जगह एक सूत्र आ रहा है इसलिए ये गीत मुझे बहुत पसंद है कविता जी एक एक पंक्ति पर मैं एक एक घंटा इसका विश्लेषण करूं तो भी कम पड़ता क्योंकि इसमें बहुत बड़े गहरे जीवन के सूत्र आए पता नहीं ये गीत कैसे आ गया मेरा घर कुछ पाना चाहते हो तो कुछ खोना पड़ता है सब खुशियां हो अपने हक में यह भी तो जड़ता है अब जड़ता की व्याख्या करिए मैंने यार सब खुशियां अपने फेवर में आए ऐसा हो सकता क्या यह भी जड़ता आपकी या जड़ता का अर्थ मूर्खता से मत ले जाना जड़ता का मतलब है कि ये जीवन को समझने का कोई अच्छा आयाम नहीं है सब खुशियां नहीं खुशियां बटनी चाहिए अगर कंपटीशन में जैसे आठ प्रतियोगिताएं हो रही आठों इनाम में लिया कोई बहुत अच्छी समीचीन स्थिति नहीं है मैं योग्यता होती हुए लेकिन भी आजकल तो ऐसा ही आएगा आएगा मैं समाज परिवर्तन का मैंने कोई आ, वो नहीं ले रखा लेकिन कुदरत सबको ठिकाने लिया थी इस सिद्धांत में कि आप बहुत ज़्यादा किंग मिडाज बन जाओगे तो पानी पीने से महरूम हो जाओगे जिसको छुओगे वो गोल्ड में बदल जाएगा उसने बिटिया को छुआ वो गोल्ड में बदल गई उसने पॉट को छुआ उसने पानी को छुआ वो उसने वर मांगा कि मुझे गोल्ड दो मैं जिसको छूँ वो गोल्ड में बदल जाए ताकि मेरी सारी वो जड़ता थी उसकी जी मतलब कुछ हाँ, मांगने नहीं इसलिए इसमें आपको एक रिलैक्स मिलेगा इसमें जब डिस्कशन में आएंगे जिएंगे कि हमारे पास लिमिटेड है, है तो आप देखेगा बहुत आनंद आए मैं एक छोटे से उदाहरण से बताता हूँ एक आदमी के पास खाली बोतल है एक आदमी के पास गर्म पानी की बोतल है गर्मी के पानी एक के पास फ्रिज की निकली हुई बोतल है आप देखो तीनों पानी नहीं पी सकते इस समय खाली वाले के तो पास है ही नहीं और गर्मी पड़ रही गर्म वाला पी नहीं सकता और वो फ्रिज हो गई वो, वो इतनी ठंडी है कि वो पी नहीं।, पी नहीं तो अब आप बताओ क्या कर सकते हैं उस खाली बोतल वाले की उसमें आधा गर्म और आधा ठंडा मिला के तीनों बड़े प्रेम से पी सकते हैं यह है सब खुशियाँ हो अपने भी में। ऐसे इसलिए कि कवि सम्मेलनों की यात्राओं में इन घटनाओं से मैया हम निकले हैं <laughs> कभी हमको खाली बोतल मिलती है कभी हमको गर्म पानी मिल जाता कभी हमको ठंडा मिल जाता तो हम सब खुशियाँ हो अपने हक में यह भी तो जड़ता है कांटों में गुलाब खिलता कांटों में गुलाब खिलते हैं सीधी सच्ची बात इसलिए कभी विपरीत परिस्थितियों से घबराना नहीं चाहिए ये विपरीत परिस्थितियां हमारी आत्मा के हमारे चैतन्य को जन्म देने वाली होती है आत्मा का जन्म ही घबराहट में परेशानियों में विपरीत परिस्थितियों में होता है नहीं तो हम कीड़े मकोड़े और मांस के लोथड़े हो जाएंगे हमारी रीढ़ी कब पकती है जब हम परेशानियों से और मुसीबतों से आगे बढ़ते हैं। अगला बंद जी, शायद कविता समाप्त होने में। भर भर हाँ, खाली होना बहुत अच्छा पढ़िएगा इसको पढ़िएगा मैं इस पे पांच मिनट तीन मिनट बात करूंगा जी, भर भर खाली होना है खाली होके भरना फिर फिर आपने देखा होगा यहाँ बहुत गजब का सूत्र आ गया ये ईशावासी का सूत्र है कभी आप उपनिषद पढ़ेंगे तो भर भर खाली होना है खाली होके भरना अंतिम इसको मैं समझा देता हूँ अब ये फलित जल्दी समझ में आ जाएगा इतनी व्याख्या मुझे इस गीत की नहीं करनी भर भर खाली होना है रिक्त रह जाओगे यार भरो मत पदार्थों से भी मत भरो और भरोपड़े को विचारों से मत भरो दिल को प्रेम से भरो भर भर खाली होना है और खाली हो के भरना परमात्मा को भर लोगे कम खाना गम खाना सहना आजकल आदमी गम तो नहीं खाना चाहता और भोजन ज्यादा खाना चाहता हम तो नाश्ते तो डाइटिंग पे अब वो अलग दौर आया ये गीत <laughs> उस विधा का नहीं है कम, कम खाना, खाना गम खाना सहना पल दो पल का रहना हमारे में सहन शक्ति नहीं आज की पीढ़ी में मैंने देखा युवकों के शौकर बहुत कमजोर है सहन शक्ति उन्हें कुछ भी कहने में पेरेंट्स हिचकिचाते हैं घर छोड़ के भाग जाएगा चिट्ठी लिख देगा ट्रेन से कट रहा हूँ पंखे से लटक जाएगा तो कुछ चीज़ें ऐसी है जो समय के साथ बदलेगी कविता को समाप्त करते हैं भर भर खाली होना है और खाली हो के भरना कम खाना घम खाना सहना पल दो पल का रहना अंतिम पंक्ति है विह करे ना रैन बसेरा सुने डाली पा अरे ये जगत मनुष्य से अच्छा लगता है लेकिन कुछ लोग मेहमान आए तो घबरा जाते हैं अरे आ गए अरे आपके घर में रौनक आ गई रविवार के दिन स्कूलों में जाओ रोने की इच्छा होती बच्चे ही नहीं है वो चहकते हुए बच्चे वो खड़कते हुई खिड़कियाँ वो प्रांगण खूबसूरत कोई बस देख लो आप खाली बस पड़ी मरी हुई कोई लेकिन जब धक्का मुक्की के साथ उसमें सवारियाँ चढ़ती है तो बस खिलखिला उठती है तो विहक करे ना रेन बसेरा अगर पक्षी रात को किसी पेड़ पर विश्राम नहीं करे तो सोनेर डाली पात एक मैसेज दिया मैंने कि जीवन में वस्तुओं को ज्यादा नहीं लाना चाहिए मैं जो कुछ लिखता हूँ प्यारो है उसकी सौगात मैं भी क्या लिख पाता मेरी है कितनी हो मेरे ख्याल से मैंने इतनी सरलता से कि शायद अब आपका कोई प्रश्न नहीं बचा होगा और फिर <laughs> भी प्रश्न बचा हो तो उससे मैं बाल बाल बचना चाहता हूँ <laughs> <laughs> जी बिल्कुल व्यास जी आपने अपनी इस कविता का पूरा व्याख्या किया हमें भी आनंद आया जी और मुझे पूरी आशा है कि हमारे दर्शकों को भी बहुत अच्छा लगा होगा आपका बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों मैं जो कुछ लिख पाता इसमें कवि जी ने बहुत अच्छी व्याख्या की इसमें मनुष्य के मन में जो कड़वाहट है उस कड़ा कड़वाहट को निकालने के बाद प्रेम की तरफ चलें तो हम सबका प्रेम एक एकता की तरफ जाएगा एक दूसरे से प्रेम बढ़ेगा प्यार बढ़ेगा सहयोग बढ़ेगा सहयोग बढ़ने के साथ साथ एक दूसरे के पूर्वक मनुष्य नज़दीक आएंगे साथ ही साथ ये बोला कि अपना दर्पण मतलब अपने आप को देखना फिर हम दूसरों पर कुछ कह पाएंगे कह पाएंगे कि हमें कैसे आगे दूसरों की गलतियों को निकालना है कैसे पहले अपने आप को देखना है फिर हम आगे अच्छे से दूसरों की गलतियों को भी कम कर सकते हैं और उनके साथ रह सकते हैं इसी कड़ी को समाप्त करते हुए अगली कड़ी में नई एक कविता लेकर आपके समक्ष उपेक्षित होती हूँ तब तक के लिए नमस्कार ओम शांति